वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमने गोदरेज इंडिया के स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है। आज का डेट है 11 अक्टूबर 2020 और अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं वीकली चार्ट पे यहाँ पर मैंने एक येल्लो कलर का एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और हम देख पा रहे हैं जब स्टॉक अप ट्रेंड में था तब इसने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो अच्छा खासा रैली देखने को मिला, नीचे जब क्लोजिंग दिया तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। सेम वही पिक्चर यहाँ पे भी, जब ब्रेक हुआ तो एक रैली थी और जब डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ तो एक हमें डाउन ट्रेंड पे भी एक जो लोअर प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तब हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि हम कहीं वीकली, मंथली या डेली डिमांड जोन पे तो नहीं खड़े हैं और शॉर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम मंथली, वीकली या डेली सप्लाई जोन में तो नहीं खड़े हैं और लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है गोदरेज इंडिया में, इसने इस जो येलो लाइन है उसके नीचे, जो हम सपोर्ट कह रहे थे उसके नीचे, ऑन ए वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दिया है। तो हम इस स्टॉक में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में भी आप देख पा रहे हैं कि जब ऑन ए डेली बेसिस पे, यहाँ पर देखिए जब डाउन ट्रेंड चल रहा था और जब क्लोजिंग दिया तो हम देख पा रहे थे स्टॉक का प्राइस नीचे आया सेकेंड डेज, और जब रैली चल रही थी अप ट्रेंड, जब स्टॉक ने अच्छा खासा पेनिट्रेट किया तो ये ऊपरी लेवल पे गैप अप ओपन होके ऊपरी लेवल पे हमें रैली देखने मिली। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद हम देख पा रहे सेकेंड डेज पे स्टॉक का प्राइस जो है वो 380 का जो लो है वो बना चुका है गोदरेज इंडिया का। तो सेम वही जो पिक्चर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट थ्री डेज के अगर ट्रेडिंग सेशन देखे तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, एक लो बनाया 390 का। सेकेंड डे के ट्रेडिंग सेशन में उछाल, फिर एक लो बनाया 394 का। अब यहाँ पर उसने ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल था, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंडल बना है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है और इसी कैंडल का हम एक इंट्राडे सेटअप के लिए सोचते हुए, अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बाउंस बैक देता है इस लेवल पे 400 के पास आता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टारगेट रहेगा 380 का और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 402 का। तो इसमें देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपीज का है और हम इसे सेल करके चलेंगे 400 पर और टारगेट हो जाएगा हमारा जो प्रीवियस टारगेट, प्रीवियस लो बनाया था 380 का, वो हमारा एक टारगेट हो जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप चाहे तो इस ट्रेडिंग सेटअप पे इंट्राडे ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। अब मैं चलूंगा 30 मिनट के चार्ट पे और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमेशा ये होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा लेकिन मार्केट में कुछ अलग ही मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा था वो ये था कि आप जैसे ये उछाल देता है तो उछाल में हमें 400 के आसपास बेचना है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 402 इज सफिशियंट रहेगा, क्योंकि अगर ये उछाल देता है तो इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा ये नहीं करेगा। 405 का हम स्टॉप लॉस लगते हैं, 402 की जगह 405 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा अगर हमें लगाना है तो, या फिर 403 का, 403 से लेके तो 405 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आप जब ट्रेड लेने जाओगे इस सेटअप को देखने के बाद तो आप कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहोगे। अगर मुझे इस स्टॉक में एक इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं वेट करूंगा, ये मेरा एक डेली सप्लाई जोन है और स्टॉक का प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जैसे कि हमने इसके पहले भी सन फार्मा में देखा था रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था स्टॉक ने जो अच्छा खासा नीचे आने वाला था,
और वो अपने 30 मिनट के डेली और 30 मिनट के सप्लाई जोन में आने के बाद उसने एक रिवर्सल दिया और वहां पे हमें 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो गोदरेज इंडिया में अगर हम देखेंगे तो ये डेली सप्लाई जोन है, और अगर इस स्टॉक को शॉर्ट करना है तो हमें ये जो प्राइस है 408.50 से इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तक 40412.50 तक, और हमारा जो एसएल रहेगा वो 414 का रहेगा। तो और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है इन कंडीशन में, ये जो रहेगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है। अगर हम वहां पर सेल करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 400 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 392 का या 393 का, और फोर हो जाएगा 380 या 385 का। तो हम ये थ्री टारगेट के साथ में इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं जब ये अच्छा खासा उछाल दे और अपने डेली और 30 मिनट के जो सप्लाई जोन है वहां पर आए। इसमें हमारे स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कल ही ट्रेडिंग सेशन में ये जो ट्रेड सेटअप हमने किया वो एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है ये आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद में एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर ये ट्रेडिंग सेटअप आपको पता है और स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जाएगा तो आप बाय नहीं करेंगे, आपको अगर पता है कि ये 30 मिनट का सप्लाई जोन है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 414 के पास लगाकर आप इन प्राइस पे जो भी आपको सुटेबल लगता है आप इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट पोटेंशियल यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। ये था गोदरेज इंडिया का डिमांड सप्लाई बेस्ड इंट्राडे सेटअप। ये सेटअप आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।